So there is a variation found in the literature about the percentage of biomolecule present in the cell. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी cells हैं सबके अंदर percentage अलग अलग होती है biomolecule की. It is because different cell within a same body have different amount of the biomolecule. तो हम ये जानते हैं कि एक same body के अंदर जो है ना different cells होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सेल के अंदर जो है ना बायोमोलिकुल की परसेंटेज भी डिफरेंट होती है. जैसे हमारी बॉडी की बात करें, इंसानों की बॉडी की, तो ब्रेन सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं, तो उनकी परसेंटेज वाटर के अलग है. सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, ठीक है, वाटर पाया जाता है, तकरीबन 85% ब्रेन के अंदर वाटर पाया जाता है. इसके अलावा अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें, वाइट ब्लड सेल की बात करें, तो सबकी कॉम्पोजिशन अलग अलग है. देयरफॉर दिस वैल्यूज आर टेकन एज अ एवरेज वैल्यूज. तो इसलिए जो बायोमोलिक्यूल है इनकी जो परफेक्ट वैल्यूज है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनकी एवरेज जो वैल्यू है वो ली जाती है, ठीक है. अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द टिपिकल बैक्टीरियल एंड टिपिकल मेमेलियन सेल इज गिवन इन द टेबल. तो यहाँ पर हम जो है ना बैक्टीरियल सेल और मेमल सेल के अंदर बात करेंगे कि उनके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल की. अच्छा, इस टेबल के अंदर दो सेल दिए गए हैं, एक हमारे पास बैक्टीरियल सेल है और एक हमारे पास है मेमल सेल्स, ठीक है. आपने ये बात याद रखनी है, जो बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोटिक होता है और जो मैमल सेल है वो यूकैरियोटिक होता है, ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल भी बहुत अहम है समझना. इसको ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है. तो उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की. तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो वाटर है 70% है और मैमल सेल के अंदर भी 70% है. फिर उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 15% है बैक्टीरियल सेल के अंदर और मैमल सेल के अंदर 18% है. कार्बोहाइड्रेट 3% है बैक्टीरियल सेल के अंदर और मैमल सेल के अंदर 4% है. लिपिड की बात करें तो 2% बैक्टीरियल सेल के अंदर है और 3% मैमल सेल के अंदर है. उसके अलावा जो हमारे पास डीएनए है वो 1% बैक्टीरियल सेल के अंदर है और 0.25% मैमल सेल के अंदर है. आरएनए 6% बैक्टीरियल सेल के अंदर है और 1.10% जो है ना वो मैमल सेल के अंदर होता है. अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 2% और मैमल सेल के अंदर भी 2% और इनऑर्गेनिक आयन जैसे हमारे पास आयरन आयन है, ठीक है, कैल्शियम है, जिंक वगैरह है, तो 1% जो है ना बैक्टीरियल सेल के अंदर होते हैं और 1% मैमल सेल के अंदर होते हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. इसके अलावा हमने बात की कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, उनके अंदर लिंकेज क्या होते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमर्स. तो उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बड़े मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और कैसे ब्रेकडाउन होते हैं.